वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे भाषा के भेद, इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। टुडे वी शैल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इंग्लिश भाषा में शब्द के जो भेद होते हैं उन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ये संख्या में एट टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड होता है एडजेक्टिव, फोर होता है वर्ब, फाइव होता है एडवर्ब, सिक्स होता है प्रीपोजिशन, सेवन होता है कंजक्शन और एट होता है इंटरजेक्शन। देखिए, ये शब्द के भेद हैं। आठ तरह के शब्द होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। पार्ट्स ऑफ स्पीच: फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउ वी शैल टॉक अबाउट नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन आपने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। नाउन को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। ऐसे नाउन इज ए नेम ओनली। नाउन इज ए नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। नाम मेरा भी है, आपका भी है, पेन पेंसिल जो मेरे हाथ में है, मार्कर, जिससे हम पहचानते हैं उसके नाम से। तो जो नाम है, चाहे वो सुख हो दुख हो, सुख को भी हम पहचान सकते हैं, दुख को भी पहचान सकते हैं, घृणा को भी पहचान सकते हैं, हेट नफरत को भी पहचान सकते हैं। तो इन सब जिसकी पहचान हो जाए वो सब नाउन है। ठीक है, तो अगर एक वर्ड के वाक्य में इसको कहना चाहूँ तो नाउन इज ए नेम। नाउन इज ए नेम, और वो किसी का भी हो सकता है। नाउन नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो जैसे बॉय, गर्ल, जयपुर, मोहन, सिक्लास, दिस इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब देखिए इस नाउन को भी अलग अलग तरह से बांटा गया है। इसमें फर्स्ट इसकी नाउन यदि ले लें प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी खास व्यक्ति, एनी पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की जो बात करे वह क्या होता है? प्रॉपर नाउन। लाइक जैसे एग्जाम्पल यदि इसका लें तो गांधी, नेहरू और पटना, जयपुर, एक्सेट्रा। देखिए ये पर्टिकुलर पर्सन और वस्तुओं की बात करता है। गांधी एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसे हम जानते हैं, महात्मा गांधी, जेएल नेहरू है, पटना है, जयपुर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड नाउन है कॉमन नाउन। सेकंड नाउन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कॉमन नाउन के अंदर किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉय, क्लॉथ, इसे काउ,
कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक, यानी अर्थात इट मींस बॉय मींस एक लड़कों की जाति, क्लॉथ मींस कपड़े, पर्टिकुलर कपड़े की बात हो रही है, काउ मींस गाय जाति की बात हो रही है। उसके बाद यदि बात की जाए थर्ड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। देखिए ये किसी ग्रुप की बात करता है। अब जैसे ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन मीन्स एग्जाम्पल यदि इसका लिया जाए तो जैसे फैमिली, एट्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, ठीक है, ग्रुप की बात हो रही है पर्टिकुलर। उसके बाद चौथी थर्ड फोर्थ नाउन होती है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। देखिए जो किसी मटेरियल की बात करता है, यानी मटेरियल की बात करता है, उस नाउन को मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसके अंदर जैसे एग्जांपल यदि लें तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये एक मटेरियल है, धातु की बात होती है, तो ये मटेरियल नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स किसी व्यक्ति के गुण, जैसे गुणों की बात होती है, गुण उसके मेरिट्स की बात होती है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुण या किसी क्वालिटी की बात होती है तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अब ऑनेस्टी फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी ऑनेस्टी ले सकते हैं, पॉवर्टी, दिस इज क्वालिटी, तो जिसमें क्वालिटी की बात हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ओके नाउ वी शैल टॉक अबाउट प्रोनाउन, दिस इज प्रोनाउन। ठीक है, तो अभी हमने देखा नाउन फाइव टाइप्स ऑफ नाउन, इसके आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, वी शैल टॉक अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, इसे हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं, हिंदी में इसे सर्वनाम भी कहते हैं। देखिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज माय फ्रेंड। अब यहां देखिए आप, यहां राम इस सेंटेंस में राम को टू टाइम्स यूज किया गया है, एक यहां और एक यहां। तो अपना जो डेफिनेशन है प्रोनाउन की, वह कहता है कि ए वर्ड यूज्ड फॉर ए नाउन, कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला है, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला जो वर्ड है वह है प्रोनाउन। तो यहां अब जैसे ये राम एक नाउन हो गई और यहां भी राम का यूज हो रहा है, तो दो जगह राम लिखना ठीक नहीं होगा, इसलिए जो बाद वाला जो है यहां राम ना लिखकर इससे मिलता जो इसके लिए हम ही लिखेंगे, तो ये जो वर्ड आएगा ये होगा प्रोनाउन। ओके ये वर्ड क्या होगा, प्रोनाउन। तो जो वर्ड संज्ञा के स्थान पर यूज होता है वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, इसमें जैसे हम यदि बात करें तो कुछ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, कि जैसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। इसके एग्जांपल यदि लूं तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आई,
वी आई वी ही शी और इट, ये पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल है। सेकेंड में इसकी बात करूं तो पर्सनल प्रोनाउन के बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इंडिकेट करना, संकेत करना, जैसे दिस इज माय पेन या दैट इज योर फ्रेंड, दिस दैट दीज दोज, ये पर्सनल प्रोनाउन, ये सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल है। थर्ड यदि बात करूं तो थर्ड आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव इज प्रश्नवाचक, क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने वाले, जैसे व्हाट, वेयर, विच, इस तरह जो डब्ल्यू एच वर्ड से बनेंगे। उसके बाद फोर यदि बात की जाए तो फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो सेंटेंस में रिलेशन का बोध कराए। इसके अंदर भी जैसे विच आ सकता है, विच हू दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ वर्ड है, एग्जाम्पल है। जैसे अगर मैं इसको अगर कहूं तो राम इज ए गुड बॉय, यहां यदि विच का यूज कर लूं तो ये भी सही होगा, विच इज माय फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट यदि देखें तो इनडेफिनेट प्रोनाउन, देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन यानी जो वह प्रोनाउन जो निश्चित संख्या का या डेफिनेट संख्या का, डेफिनेट का बोध नहीं कराता है, वो होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल देखिए ऑल, अनदर, इन कुछ वर्ड से हमें कोई निश्चित संख्या का बोध नहीं होता या निश्चित संख्या का पता नहीं पड़ता, तो ये होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके बाद नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी बांटना, जिसमें होता है जिसके वर्ड जैसे कि एग्जाम्पल है ईच, ईच बॉय हैव फोर पेन, देखिए बांटना कि हर व्यक्ति, हर लड़का चार पेन ले ले, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर जैसे ऑन लगा हो या सेल्फ लगा हो तो ये जो है वर्ड ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बोध कराएगा। ओके, ये देखिए कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट अपने प्रोनाउन थे वो मैंने आपको अभी बता दिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण भी कहते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को
की विशेषताएं बताता है एक ऐसा शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। एक ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय, तो यहां नाउन की विशेषता क्या है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो ये गुड जो है ये हो गया अपना एडजेक्टिव या विशेषण। और अगर इस गुड की जगह मैं लिख दूं बैड, तो ये इसकी विशेषता है, इसकी क्वालिटी, इसकी, तो ये जो क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड होते हैं ये होते हैं विशेषण। अब देखिए ये विशेषण की यदि पर्टिकुलर बात की जाए तो विशेषण में पहला तो होता है क्वालिटी, जो व्यक्ति की क्वालिटी बताए। जैसे अभी मैंने ऊपर जो एग्जांपल दिया वो इसका वही एग्जांपल होगा कि भाई क्वालिटी यानी गुणवाचक, गुण बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। अब देखिए सेकंड है इसका क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी इसे हम कह सकते हैं परिमाणवाचक या मात्रावाचक, परिमाणवाचक या मात्रावाचक। इसका एग्जांपल देखिए आई हैव मच टाइम, भाई यहां इस सेंटेंस में मात्रा कैसे दिख रही है, क्वांटिटी कैसे दिख रही है, मच, तो यहां ये जो मच है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। उसके बाद जो थर्ड है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसके अंदर हो सकता है वही इंडिकेट करना कि भाई दिस बुक इज माई, तो दिस बुक इज माई मीन्स इसमें ये इंडिकेट दिस से हो रहा है, या दिस चेयर, इस तरह के कुछ एग्जांपल होते हैं। तो हमने अभी आज बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन जो फॉर्म है, पहला मैंने आपको बताया था नाउन क्या होता है, आफ्टर दैट प्रोनाउन, एंड आफ्टर दैट एडजेक्टिव। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स।